ये मैम ये सिंगिंग बॉल है, आर्मी वेपन्स हैं और इन्हें रखने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होगी। हमें बचपन से बना रहे हैं, 50 साल तो हो ही गया। अच्छा, बचपन से कुकरी बना रहे हैं। खरीदने वाले को मतलब क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए? इसको शेप। आज की यह स्पेशल वीडियो हैंडीक्राफ्ट के शौकीनों के लिए है। जी हाँ, मैं पहुंच गई हूँ नेपाल हैंडीक्राफ्ट जो कि है देहरादून में, और यहाँ पर मैं एक्सप्लोर करूंगी खुकरी। खुकरी वैसे तो नेपाल का ही हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन अब वो इंडिया में भी बनने लगा है और देहरादून के सबसे बड़े खुकरी सप्लायर से और एक्सपोर्टर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि खुकरी खरीदते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी खुकरी बेस्ट होती है। और अगर आप एंटीक आइटम के शौकीन हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और वो भी वर्ल्ड वॉर टू के ज़माने की। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको इनका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम इनका कारखाना भी एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पर बनती हैं खुकरियाँ। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर आपका कितना पुराना काम है ये? मैम ये तो हमारे फोर फादर्स से शुरू हुआ था, मतलब खुकरी इसका। खुकरी इसका। अच्छा, ये खुकरी मतलब कहाँ का वो है? ये मैम बेसिकली तो ये नेपाल से ही आता है, पर अब तो इंडिया में खूब चलता है। इंडियन आर्मी इसको अपने यूनिफॉर्म में लगाती है। अच्छा, आपके पास कितने टाइप की खुकरीज हैं? हमारे पास सारी है, छोटी स्मॉल से लेके लार्ज साइजेस होती हैं, सब है। डेकोरेटिव है और आपकी यूजेबल है और गिफ्ट पर्पस की हैं, सब चीज तरह की खुकरीज होती हैं। आप पहले साइज दिखाइए। सबसे छोटा साइज ये देखिए, ये है पेपर कटर, लेटर ओपनर, उस साइज में यूज होता है। ये ब्रास का खुकरी है। अच्छा, मतलब इसमें धार है? धार थोड़ा सा होता है, हल्का हल्का, लेटर ओपन करने के लिए। अच्छा, ये सबसे छोटी खुकरी है? हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद एक ये आ जाती है डेकोरेटिव, गिफ्ट पर्पस के लिए। ये भी गिफ्ट पर्पस के लिए है, और ये लेदर के केस। हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह से फिर ये है एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी कवर के अंदर है। जी। अच्छा, और इसका क्या प्राइस होगा? ये मैम करीब ये 750 की रेंज में आता है। अच्छा, जो छोटा वाला साइज है। छोटा वाला साइज। आपके पास और भी साइज है, बड़े साइज भी है, उसकी रेंज और लेदर केस भी है। जी। और आपके पास एक्स भी है? एक्स भी है, ये थ्रोइंग एक्स है। अच्छा, ये थ्रोइंग एक्स है, इसे फेंका जाता है तो ये सीधा जाके आगे से ही लगेगा। अच्छा, मतलब किसी भी डायरेक्ट कैसे भी फेंक दे? इसकी टेक्निक होती है। अच्छा, टेक्निक होती है। कुछ इससे मेरी घर से 30 डिग्री के आगे से कुछ मारना पड़ता है, तो उसी हिसाब से जाता है। अच्छा, और ये जाके सीधा लगेगा? बिल्कुल सीधा लगेगा धार से। मशेक। जी, मशेक मतलब यूएस आर्मी का होता है नाइफ है, ये यूज करते हैं, पर अब इंडियन आर्मी भी यूज कर रही है इसे। ये मतलब सारे आर्मी वेपन्स हैं, और इन्हें रखने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होगी? हमें मैम, या मतलब मैं अगर मेल रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ? आप रख सकते हैं, पर कैरी में थोड़ा आपको थोड़ा केयर करके चलना पड़ेगा। आप घर में रख सकती हैं, जैसे आप ट्रैकिंग जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं अपने साथ इसे। अच्छा, मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं ले? नहीं, पब्लिक प्लेस में अलाउ नहीं। जिसके पास मतलब पिस्टल लाइसेंस होगा वो रख सकते? जी 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 जी, उन्हें अलाउ है, एक नाइफ उनको अलाउ है। अच्छा, और ये क्या है ये खूबसूरत चीज? ये मैम ये सिंगिंग बॉल है, ये हैंडमेड है, ये हाथ से बना हुआ है, हैंड फोर्ज। अच्छा, और इसकी क्वालिटी एक और अच्छी है, देखिए। मतलब प्यास से आके मैंने किस सुनाती म्यूजिक जनरेट हो रहा है, वाइब्रेशन सिग्नल की इसमें से पॉजिटिव करता है नेगेटिव को। ये किलो के हिसाब से बेचता है। अच्छा, 2000 रुपए किलो का हिसाब है इसका। तो ये मतलब एक ये जो बाउल है ये करीब मैम आपका है 1800 रुपीज के आसपास। 1800 जी। अच्छा, आपके पास ये इतनी सारी चीजें, एक ये वाला भी है? ये मशीन मेड है। ये मशीन मेड है? हाँ, ये हैंडमेड है, ये मशीन मेड, ये थोड़ा सस्ता होता है, इससे आवाज तो इससे भी आती है पर उतनी आवाज नहीं आती। अच्छा,
कोई टेक्निक होती है? टेक्निक होती है, ये आपको इसके इसके बेस को ही टच करना है। आप इसके बीच में आप अगर टच करेंगे तो नहीं आएगा आवाज। और कुछ ये भी है, ये वर्ल्ड वॉर 2 का हेलमेट है, इसकी रेप्लिका है। अच्छा, ये वर्ल्ड वॉर 2 का है और ये उसकी रेप्लिका है, मतलब ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल नहीं है, इसकी रेप्लिका है। ये हेलमेट है, आर्मर मेडिवियल हेलमेट बोला जाता है। ये खुलता है? हां, ये खुलता है। ये रोमन स्टाइल का है। अच्छा, ये छोटा रेप्लिका है। इनका क्या प्राइस होता है? जो छोटा वाला है वो 1000 रुपीज के आसपास है। ये मतलब बड़ी खुकरी है ये? जी हाँ जी, ये बड़ी खुकरी है। कितने इंचेस की होती? ये 16 इंचेस का इसका ब्लेड होता है, बाकी इसका 7 इंचेस का हैंडल होता है। ये सबसे बड़ी है? इससे भी बड़ी होती है, जिसमें 30 इंचेस का ब्लेड होता है और पीछे उसका करीब 10-12 इंचेस का हैंडल ही हैंडल होता है। वो डेकोरेटिव खुकरी होती है। अच्छा, वो सबसे बड़ी खुकरी कितनी बड़ी होती होगी? 47 इंच की होती है। अच्छा, और सबसे छोटी तो आपने दिखाई दी है? सबसे छोटी तो ये आपको बताई दी है, पेपर कटर जी। और ये काम किस काम आती है? मैम, ये सेक्रीफाइस के लिए काम आती है, ये पूजा वाले जो यूज करते हैं उसके लिए। अच्छा, पूजा वाले? पूजा दशहरे में जब पूजा होती है उसमें यूज होता है। अच्छा, और ये सब आपकी खुकरी बनती कहाँ पर है? ये सब इधर ही बनती है, हमारी वर्कशॉप है यहीं पे आस पास में। चलिए, आप अपनी वर्कशॉप विजिट करवाइए। ये है वर्कशॉप, हैंडमेड काम करते हैं। आप कितने सालों से बना रहे हो ये चीज? अरे, बचपन से बना रहे, मैं 50 साल तो हो ही गया। अच्छा, बचपन से कुकरी बना रहे? अच्छा, अभी तो आपको याद भी नहीं होगा आप कितनी कुकरी बना चुके हैं। अरे, कई बना हजारों। अच्छा, एक दिन में कितनी कुकरी बना लेते हैं? ये मैम, बस जैसे जैसे काम होता है उसी तरीके से बनता है, एक साथ नहीं होता, टाइम लगता है इसमें। अच्छा, अभी इसमें क्या कर रहे हैं आप? अभी इसमें ये हैंडल लगाया, ये विंटा हैंडल लगाया। अच्छा, हैंडल लगाया है जी। कितने प्रोसेस से होके गुजरती है? कम से कम आप 10 प्रोसेस होते हैं इसमें। हैंडलिंग होती है, पिटाई होती है, लोहे को काटना है, फिर पॉलिश होता है, फिर पॉलिश है। आप समझिए करीब 10-15 दिन जाके कुकरी रेडी होती है। मतलब 10 प्रोसेस से गुजरने के बाद और 10 डेज के अंदर एक कुकरी तैयार होती है। अच्छा, मतलब तरीका क्या है कि देखा जाए कि बेस्ट कुकरी कौन सी है? खरीदने वाले को मतलब क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए? इसको शेप, कुकरी की मोटाई और मटेरियल, वो कमानी का होना चाहिए, हार्ड। अच्छा, कार्बन का। अच्छा, मतलब ये चीजें हैं जो हमें कुकरी खरीदते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, सबसे चीपेस्ट कुकरी जो है वो कितने में आ जाती है? सबसे चीपेस्ट आप समझिए 1000 रुपीज से शुरू है। 1000 से? और जाती कहाँ तक है? जाती तो फिर ये 10,000-20,000 के आसपास आ जाती है। अच्छा, वो उसके कवर्स के ऊपर है काम, फिर उसके ब्लेड के ऊपर है काम, सब चीज है अलग अलग। अच्छा, उस पे डिपेंड करता है जिस तरह से काम है। अभी एल्युमिनियम की हैंडल है। अच्छा, ये भी दिखाइए, ये तो अभी तक तो हम लकड़ी देखते आ रहे हैं, अभी एल्युमिनियम के हैंडल बनने लग गए। अच्छा, ये आपके यहाँ एल्युमिनियम वाले ही बनते हैं? थोड़ा वजन वेट ज्यादा हो जाता होगा? नहीं, ज्यादा वेट नहीं होता है, उस हिसाब से ठीक ही रहता है। ये ज्यादातर डेकोरेटिव में यूज होता है। अच्छा, एल्युमिनियम वाला यूज में नहीं होता? डेकोरेशन में यूज होता है, क्योंकि मेटल का आप यूज करते हुए मेटल हेवी हो जाता है और फिसलता है आपके हाथ में। ओके, इसलिए वुडन का रखा जाता है, वुडन रख लेना हाथ में। ये फिनिश्ड है? ये मतलब अच्छी खूबसूरत खुकरी है जी। वाओ, इसका क्या प्राइस होगा? ये मैम करीब ये 1200 रुपए के आसपास की। 1200, मतलब साइज के ऊपर डिपेंड है, साइज बढ़ता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा। और इसमें एज नहीं है? इसमें एज नहीं होती, इनमें नहीं होती है, इनमें एज नहीं होती, ये डेकोरेटिव वाली है। अच्छा, अगर कोई कहे कि इसमें बनवानी है तो बन जाएगी, लग जाएगी, धार लग जाएगी जी, वरना ये लग खूबसूरत है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तब तक टेक केयर, गुड बाय।